और मैं यहाँ पर 2017 में आया था, और जब मैंने स्टार्टिंग किया था एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स की तैयारी के लिए यहाँ पे मैं आया था, तो लोकेश सर थे और असित सर से, मैं वहाँ से पढ़ा था। तो मैं फेल होता गया, फर्स्ट टाइम में फेल हुआ, सेकंड टाइम में फेल हुआ, तीसरी टाइम में मेरा एयरफोर्स निकला, बाई ग्रुप में, एक्स नहीं था, बाई ग्रुप था नॉन टेक से, तो निकला। फिर मैं मेडिकल से आउट हो गया। उसके बाद में फिर सोचा अब क्या किया जाए। आगे मैंने तैयारी कंटिन्यू की, जर्नी अपनी स्टार्ट करता गया लगभग 5 साल। उसके बाद में फिर दोबारा मैं कौटिल्य पे आया 5 साल बाद। आने के बाद यहाँ सुरेंद्र नगर में मैं रूम लेके रहता था, और यहीं से अपना कोचिंग आता, अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी मैंने यहाँ से कंप्लीट की। उसके बाद में 2021 में पेट आया, यूपी पैट, आप पेट समझते आया। हैं ना, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, फिर मैंने 21 सितंबर को 2021 को मैंने पेट दिया, और पेट में मेरा 79 स्कोर था, पेट में मेरा 79 स्कोर। उसके बाद मैं लेखपाल के लिए एलिजिबल हो गया। उसका मेरा मेंस था 31 जुलाई 2022 को, 31 जुलाई 2022 को मेरा मेंस था। और उसके बाद मेरा 31 मई 2023 को, 1 मई 2023 को रिजल्ट आया, जिसमें मैं डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ। मेरे मार्क्स थे 85, डीवी समझते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसके बाद मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। 23 फरवरी को मेरी जॉइनिंग थी, फिर बीच में स्टे लग गया। अब दोबारा 8 जुलाई को स्टे हटा, और 10 तारीख को मेरे को जॉइनिंग लेटर मिल गया, और 11 से मैं यहाँ अपॉइंट हुआ हूँ। और मेरे को गुरु सिकरन एरिया, वहाँ का लेखपाल हूँ मैं, ये क्षेत्र मेरे को मिला है। और इसी बीच मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। एक दिन थोड़ा सा किस्सा बताऊंगा, एक दिन का। एक दिन मैं छत पे अपनी में ऐसे पढ़ रहा था, 2021 की बात है, तो हमारे पड़ोसी थे, तो वो कह रहा था लड़का कि पापा मुझे तैयारी के लिए जाना है। वो अलीगढ़ के लिए आना चाहता था, उसने मुझसे पूछा था मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने उसे एक एडवाइस दिया कौटिल्य कोचिंग में जाओ। तो वो, मैं सुन रहा था छत पे, वो कह रहा था पापा मैं कोचिंग के लिए ले जाऊंगा। तो उसके फादर ने बोला क्या करे वो, बाकी छोरा है देख 4 साल है गई कोचिंग करते करते, आज तक वह सफलता मिली है, ऐसी डोलो भटकत वो। तो वो वर्ड सुन के मुझे बड़ा हर्ट हुआ। तो उसके बाद इतनी सारी लोगों के ताने वाने सुनना, इतनी प्रॉब्लम आएंगी लाइफ में, सही बता रहा हूँ, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस की मैंने, लेकिन लोगों को इग्नोर करता, कि लोगों का हमें कहना, उनको इग्नोर करता रहा, और कठिन परिश्रम किया और सक्सेस पाई, और आज मैं आप सब लोगों के सामने ये। और मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा, मेरी तहसील में 10 सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां। और बहनों के लिए एक लड़की की स्टोरी सुनोगी रोज आओगी। एक लड़की जिसके पाप फादर थे नहीं, बचपन में छोड़ के चले गए, 2 साल की थी। उसके बाद में उसके एक भाई था और दो दो बहन थी, और उस लड़की ने ट्यूशन पढ़ा के, घर घर में ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के जाके जाती। उसकी माँ थोड़ा अपंग थी, वो कुछ नहीं कर सकती अपना, उसने ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई की, और राजस्व लेखपाल में सिलेक्शन हुआ उसका। तो इतने, मतलब लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, सेल्फ डिपेंड बनो। आज की सिचुएशन को देखते हुए तो मैं ये भी ये कहना चाहूंगा, लड़के लड़कियां सब इक्वल हैं, सेल्फ डिपेंड बनो, बहुत अच्छा लगेगा। और समाज में जॉब से पहले और जॉब के बाद पूरा चेंज हो जाता है लोगों का नजरिया देखने का। उससे पहले जिस हाँ तरीके से देखते हैं और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद तो ये कहते हैं भाई हम तुमसे कहते थे ना तुम पक्का लगोगे, उससे पहले कछुना है वैसी डोल लो, तो बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए कहूंगा मेहनत करो और सक्सेस हो जाओ। और लोगों, सक्सेस होने के बाद मतलब आपका जो समाज में नजरिया लोगों का देखने का होगा, एक इज्जत मिलती है, वो सच में बता रहा हूँ, मैं वो फील कर रहा हूँ। जब मैंने जॉइनिंग लेटर मिला उसके बाद, बस मैं बता नहीं सकता लोगों के नजर में मेरी कितनी इज्जत बढ़ गई है। थैंक यू सो मच। नौकरी से पहले तो ओए सचिन कहाँ जा रहा, अब सचिन भैया आप कहाँ जा अरे सुनो, तुम्हारे जैसे बच्चे थे ना, रहे नाम ही लेते थे, अब भैया राम राम कर, मतलब समझ रहे हो, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं तो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, दूर से ही कहते हैं। अब मैं आता हूँ बाइक पे तहसील के लिए, तो देखते रहते हैं, अलग ही देखते हैं, जो कहते थे ना बस कुछ नहीं होगा ऐसे ऐसे। तो भाई सही बताओ, नौकरी लगने के बाद कसम से खा रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आती है, मैं अपनी वर्ड में एक्सप्रेस नहीं करता खुशी को, समझ रहे होंगे, मैं खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतनी खुशी मिलती है सक्सेस के देखो, बाद। ये सारी स्टोरी हमें एक ही बात के लिए मोटिवेट करती है। जितना मैं कीवर्ड हर, जैसे आपका पहला मीटअप है, मैं हर क्लास में एक ही बात करता हूँ, नौकरी सरकारी सत्ताधारी, तुम पर भी और पड़ोसियों पर भी पेशेंस मांगती है। सचिन की शुरुआत कब से हुई सोचकर देखना, 2015 2007 में 12th किया था मैंने, और जॉब आकर मिली है 2024 24 में में, ज्वाइन लेटर मिला है। हिम्मत नहीं आ रही, मैं लगा ही रहा अब आप वो कहते सोच थे। करके देखिए कि ये इतना जो लंबा एरा है, ये जिया, बीच में मान लो एयरपोर्ट्स में तभी हो जाता, लेकिन मेडिकल इनफिट हो गए, तो ऐसा नहीं। और देखिए ट्रस्ट, पहले पढ़े फिर बाद में गैप हो गया, फिर मन किया बोले चलो फिर गुरुजी के पास चलते, दोबारा ही फाइनली सफलता मिल गई। तो
तो आप तो जिस फाइट में हो, एसएससी की फाइट, तो समय मांगती है कम से कम 2 साल का। इतने टाइम, 1 साल तो आपको पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होने में जाएगा, पूरा सिलेबस समझने में जाएगा। अच्छा ये भी डेटा है, हो सकता है कुछ बच्चे अभी आज की क्लास स्किप करें, अरे यार बड़ा हेक्टिक कर दिया गुरु ने, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना तो यही होगा, एग्जाम में तो आएगा ना। तो अपने हौसले मत खोने दो, समय आते आते सबको सफलता मिलती है, रास्ते खुद तैयार होते हैं। इसलिए पढ़ते रहिए, और ये जो बीच बीच में, जैसे मान लो आज सचिन आ गए, और भी बच्चे आते रहते हैं बीच में जिनका सिलेक्शन हो गया, ये सिर्फ तुम्हें ये दर्शाते हैं कि आप भी ऐसे ही हो, बस फर्क इतना है कि अभी आप उधर बैठे हो और सचिन अभी इधर खड़े, और इस फासले को तय करने में जो समय जाएगा वो समय जाएगा, और वो समय आप खुद पर तय करेंगे। देखिए अब इनके लिए तो मैं भी बीच में डायलेक्ट सोच रहा था सचिन, मैंने कहा था लेखपाल की भर्ती हुई कि पंचवर्षीय योजना हो गई 2021 से 2024, वेरी स्लो प्रोसेस, कायदा ये कहता है, लेकिन एसएससी ऐसा नहीं करती, विद इन 1 ईयर जॉब सिलेक्शन दे देती है। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने बहुत सारे सुधार कर रही है, बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे चीजों में बदलाव आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट बाबू ये है हमारे लिए कि हम किस प्रोसेस, अब इन्हें भी नहीं पता था कि 2021 की वैकेंसी जाके 24 में फाइनल होगी, तब तो हमें लग रहा था कि पैट आया, सितंबर में हमने पैट दिया है और नेक्स्ट ईयर वैकेंसी मिल जाएगी, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन टाइम काफी सारा गुजरा, बट कोई नहीं, एक कहावत है ना गाँव में कि जली तो जली पर सिकी भी खूब, मतलब है देर हुई जरूर लेकिन अंधेर नहीं हुई, हमें पेशेंस का फल बहुत अच्छा मिला। अब देखिए इनसे राजा कौन है, ये इनका गृह निवास एक लाश, 3-4 साल बाद ये अपना घर मकान अलीगढ़ में ही बना लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये लगभग होता है वो प्लान सबसे शुरू हो जाते हैं जॉब के बाद ही, शादी होगी, बच्चे कहाँ रहने, कौन कहाँ पड़ेगा, ये सब पूरा माइंड सेट है। अभी ज्वाइनिंग 4 दिन हुए हैं, वो माइंड सेट लगभग लगभग इतने में हो जाए, 5 दिन में ये हमें करना, क्योंकि पता अभी कहाँ से सीखेंगे, जिस समाज में रह रहे वहां के लोगों से देखेंगे कि इनका बच्चा कहाँ है, इनकी शादी कहाँ, इनका रहन सहन क्या है, आदमी परत दर सीखता है। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसा तो पहले दिन नहीं था, कंटिन्यू आप में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं जब कोचिंग आना शुरू करते हैं आप। उसके बाद सेटलमेंट होगा कि इनका गृह निवास इगलास, नौकरी मिली अलीगढ़ में, अब इसी डिस्ट्रिक्ट में आगे पीछे घूमते रहना है। कभी कोल में आप देखिए अलीगढ़ की सबसे प्रीमियम तहसील और उसका भी सबसे प्रीमियम एरिया, इन्हें ऐसे लेखपाल के चार्ज में मिला है, तो जो सब्र करता है उसे हर चीज प्रीमियम ही मिलती है, सब्र किसी भी क्षेत्र का हो, और एजुकेशन तो आपको बहुत कुछ बनाकर देती है। तो वन सेकेंड भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन के लिए, और सचिन की लाई हुई मिठाई सचिन को खिला देते हैं हम, क्योंकि पहले इन्होंने कहा था मैं 10:30 बजे आऊंगा, अब ये थोड़ा पहले आ गया। अरे सर मुझे 11 बजे मीटिंग है एसडीएम सर के साथ। अच्छा, दुबे जी हैं ना, तो नहीं 1 बजे सर। एसडीएम बदल हाँ जी गए? हाँ अच्छा, वो एडीएम प्रशासन कर दिए हैं। ठीक, बहुत बढ़िया भाई, बेहद खुशी है भाई हमें तो। और देखो सबसे बड़ी बात, टीचर तो हमेशा टीचर ही रहता है, हम तो 5 साल 7 साल पहले भी सचिन इस बोर्ड पर ही खड़े थे और आज भी इस बोर्ड पर ही खड़े, पर अपने बच्चे बड़े बड़े होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और बड़े होते ही जाते हैं, और हम भी चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए ये संस्थान प्रारंभ किया गया वो मकसद पूरा हो भाई। तो सचिन तुम्हें पहले मिठाई खिलाई जाए, पहले हम मंदिर बारी रख देते हैं, रख देंगे, बोले बाबा माफ करना हम जा नहीं पाए, बोले बाबा को पता है हम बड़े आदमी हैं, कौन सी वाली पसंद है तुम्हें, आओ इधर आओ, फ्रेम में आओ, लोगों को पता तो चले, थोड़ा खाओ यार, अब क्या शर्माना, थोड़ी सी मैं थोड़ी खाऊंगा क्योंकि मैं बहुत लेट लौटा हूँ ना शादी में से, हमेशा आशीर्वाद है और ईमानदारी से काम करना ताकि लोग मेंशन करें कि हाँ ये व्यवस्था है। एक किसी बच्चे को भेज देना जरा क्लास में, पवन कवल किसी भी को, ठीक बस चलते हैं। ठीक है ठीक है भाई, तो आनंद मत हो तो मैं नहीं हो, है। एक बार लास्ट में बोलना चाहूंगा, कंटिन्यूटी बना के रखो, हिम्मत मत हारना, मतलब तुम फेल हो जाते हो ना तो तुम उससे सीखो और आगे तैयारी करो उससे, कि मतलब मैं बता रहा हूँ कम से कम 60 एग्जाम दे चुका हूँ, 60 एग्जाम, 60 एग्जाम कम से हाँ कम, तो टाइम भी तो देखो ना, 9 साल हो गई मेरे को इंतजार करते करते।
लेकिन हिम्मत मत हारना, फिर आधा कंटिन्यू टू तीस रखना। सबको बांट दो इसी क्लास बस में। ठीक है भाई, 1 सेकंड सेशन के लिए तानी। सॉरी सॉरी।